मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा। मैम, कल हम लोग जो पढ़े थे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, क्या आप लोग को समझ में आया था? हेलो मैम, सबको आ गया था समझ में? तो ओरल टेस्ट ले लिया जाए, कुछ उसमें से रिवाइज कर लिया जाए एक बार। तुम लोग रेडी हो ना ओरल टेस्ट के लिए? चलिए, ये कौन है? हर्ष कुमार वर्मा। हर्ष, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हर्ष कुमार वर्मा, ओके। अंशिका सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। अंशिका, अंशिका सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, ओरल टेस्ट के लिए रेडी हो ना? यस ओके। कल हम लोग समश्रुति भिन्नार्थक सब पढ़े थे ना? हाँ, यस तो बताइए समश्रुति भिन्नार्थक मैम। शब्द किसे कहते हैं? शब्दों का उच्चारण लगभग लगभग एक समान हो पर उनके अर्थ अलग हो, उसे हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अनल और अनिल। मैं खर खर की मैम हाँ? खर खर की आवाज आ रही है। अनुजन म्यूट है। म्यूट कर रही हूँ बेटा, अभी म्यूट कर रही हूँ। अंशिका, आप खुद को अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ बेटा, अनल और अनिल नाम सुना है ना आपने? यस मैम। अनल मतलब क्या होता है और अनिल मतलब? आओ तनी रे रू कुका अंबा हमरा के। अनिल मतलब मैम हवा। अनिल मतलब मैम हवा। और अनल मतलब? अनल मतलब मैम आग। आधी और आंधी दोनों एक मैम जैसे हैं कि आधी नहीं मतलब बताइए। यस हाँ, मैम आधी मतलब आधा हिस्सा और आंधी मतलब तूफान। गुड। यह बताइए श्रुति मतलब क्या मैम होता है? श्रुति मतलब बोलना। श्रुति मतलब बोलना। मैम सुनना सुनना। पहले बुझा रही है। हाँ अंशिका, गजल। सम और सम मतलब क्या होता है? मतलब बोलना सम मतलब बोलना और एक समान श्रुति। एक समान एक समान एक समान। अच्छा, सम मतलब एक समान, श्रुति मतलब सुनना। ओके, और भिन्न मतलब क्या होता है? ओके, अलग तो जरा और जरा दो वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग बता दीजिए जरा। जरा मतलब बुढ़ापा होते और जरा मतलब थोड़ा। वेरी गुड। अब है परिमाण और परिणाम। परिमाण और परिणाम दोनों के अर्थ बताइए। परिमाण मतलब मात्रा गुड। और परिराम मतलब फल। फल, नतीजा। वेरी गुड। उत्तर और उत्तर। उत्तर और उत्तर। हाँ हाँ बताइए। मैम उतर मतलब कोई ऊंचाई से उतरने को हम लोग वेरी कहते गुड। हैं हाँ उतर। गुड। हाँ और उत्तर एक दिशा का नाम है और जवाब को भी कहते हैं। ओके, ओके जॉकी था ऊपर वेरी गुड के बेटा। फिर कीप इट अप। तो अभिज्ञान थैंक त्रिपाठी, यू मैम। अभिज्ञान, वेलकम बेटा। अभिज्ञान, अनमिटो साल। हाँ यस बेटा, बताइए समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं?
शब्द जो बोलने में लगभग एक समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, उसे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। वेरी गुड। हाँ, वे शब्द जो बोलने या सुनने में लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं या अलग होते हैं। ओके बेटा, ये बताइए, दिन और दीन दोनों का अर्थ क्या होगा? मैम, एक दिन मतलब दीवार और दिन मतलब गली। हाँ, दीन एक दिन है और एक दीन है ना। दीन मतलब गरीब और दीन मतलब दिवस। ओके, वेरी गुड बेटा। ये बताइए, बाहर और बहार दोनों का मीनिंग क्या होगा? बाहर और बहार। रौनक और बाहर मतलब अंदर का विलोम। अंदर का विलोम या बाहर की तरफ निकलने का है तात्पर्य, है निकलने से तात्पर्य। यहाँ पर समान आसमान और असमान, आसमान और असमान दोनों का मीनिंग बताइए। आसमान और असमान, आसमान मतलब असमान सुनने, पहले तो सोचो, समझो, प्रेजेंस ऑफ माइंड। असमान, अ मीन्स नहीं, और समान यानी समान नहीं हो, एक बराबर ना हो, उसे असमान कहते हैं। ठीक है, जो एक बराबर बराबर ना ना हो, हो। एक जैसे ना हो, उससे असमान कहते हैं। और आसमान जो है आकाश को कहते हैं, नभ को कहते हैं, है ना, नभ, आकाश, गगन। अब है पूछ और पूछ, पूछ और पूछ। मैम, एक पूंछ मतलब जानवरों की पूंछ और एक पूंछ मतलब पूछना। ओके, वेरी गुड बेटा। के बेटा, प्रियांशु सिंह, प्रियांशु अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। प्रियांशु सिंह, कैन यू हियर माई वॉइस प्रियांशु? अभी अभी ये लड़का हिल रहा था, देखो, अब कुछ कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहा है बताने के लिए। कायर नंबर वन है सब। अंशित गुप्ता, अंशित। यस मैम। हाँ बेटा, ये बताइए, मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, सम मतलब क्या होता है? मैम। सम मतलब एक जैसा, गुड। और श्रुति मतलब? सुनना। और भिन्न मतलब? अलग। संस्कृति विनार्थक शब्द की परिभाषा बताइए। जो शब्द सुनने और बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग-अलग होते हैं, उन्हें हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ओके, वेरी गुड बेटा। ये बताइए, पका और पक्का में दोनों क्या अंतर है? हम लोग दोनों के अर्थ बताइए। पका और पका, पका और पक्का। एक पक्का हाँ, पक्का पक्का हुआ और पक्का मजबूत। एक और दूसरा और, अंतर बताइए, दोनों का अर्थ बताइए। और एक और एक और एक और मतलब और मैम, नीचे वाले का एक और मतलब एक और एक इसका क्या बोल सकते हैं?
क्या हुआ अंशित, कंफ्यूज हो गए? एक और शब्द, एक और शब्द, एक और शब्द, और शब्द और मतलब कोई दूसरा, कोई अन्य। इस और मतलब कोई दूसरा या अन्य, और मीन्स की तरफ, और मीन्स की तरफ, हाँ की तरफ। इस और मतलब दूसरा या अन्य, है ना, दूसरा या अन्य। हाँ यस मैम। एक ये वाला हंस और हंस, दोनों का अर्थ बताइए। एक हंस तो पक्षी होता है और एक हंस होगा हंसना। तो किस वाले का पक्षी होगा और किस वाले का हंसना होगा बताइए? एक पक्षी ऊपर वाले का होगा। अच्छा, और नीचे वाले का हंसना। हंसना। ग्रह और गृह, दोनों का अर्थ बताइए। एक ग्रह है और दूसरा गृह। और एक ग्रह नक्षत्र और गृह घर। अचार और आचार, अचार और आचार में क्या अंतर है? अर्थ बताइए। अचार और आचार, आचार और एक अचार, अचार तो खाने वाली चीजें हैं। हाँ, और अचार इसका क्या होगा? नहीं, एक अचार है जो खाने वाली चीज, और अचार मतलब व्यवहार, और एक आचार है। आचार बताइए, किस वाले का, किस वाले का आचार होगा, किस वाले का खाने वाला होगा और किस वाले का रहन सहन या व्यवहार होगा? ऊपर वाले का व्यवहार होगा। नो, ये अचार, ये वाला अचार खाने वाला है, पिकल यानी नींबू या आम का अचार। इस ये वाला अचार है, खाने वाला चीज, ठीक है। और ये जो आचार है, आचार जो है ना, आचरण, व्यवहार, आचार जो है आचरण से लिया गया है ना, रहन सहन व्यवहार। समझ में आया? अचार मतलब कंफ्यूज हो जा रहे हैं दोनों में। अचार हम लोग बोलने में तो कर देते ना, आचार चाहिए, लेकिन नहीं, अचार, अचार, ठीक है, अचार। इसमें फिर से आकी मात्रा नहीं आती है, या फिर आम का जो भी हम लोग पिकल खाते हैं वो ये अचार है, उसे अचार होता है। लेकिन वही जो हम आचरण लेते हैं ना, आचरण, रहन सहन, व्यवहार, वो यहाँ ये आचार मतलब व्यवहार होता है या रहन सहन होता है। ठीक, ओके मैम। हाँ ओके अंशित, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। वंश यादव, वंश, वंश यादव, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? यस मैम। वंश? यस मैम। हाँ वंश, आप दिखते क्यों नहीं हो बेटा? वंश? यस मैम। आप दिखते क्यों नहीं हो? कभी आपके पापा का पिक्चर दिखता है, कभी फैन दिखता है, अब दिख रहे हो, कहाँ गायब हो जाते हो? ये अच्छा, चलिए वंश, कोई बात नहीं, बताइए श्रुति का अर्थ क्या होता है? श्रुति, वंश, वंश मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? यस मैम। तो बताइए सम मतलब क्या होता है? नहीं पता? नो। क्यों? क्लास तो आप रेगुलर करते हो, दिखते भले ही ना हो लेकिन क्लास तो रेगुलर करते हो। इसका तात्पर्य यह है कि आप ऑनलाइन आ करके और कहीं रवाना हो जाते हो, घूमने निकल पड़ते हो, ऐसा कुछ है क्या वंश? नो मैम। नहीं, ऐसा ही कुछ है। सम मतलब एकदम इजी है, हमने बताया भी था और कल से ही बता रही हूँ, ठीक है, और आज भी बहुत सारे बच्चे बताए हैं। आपने किसी की बातों को सुना है वंश? क्या
अगर सुने होते तो फिर ये नतीजा ही नहीं निकलता। लापरवाही की भी हद होती है वंश। चलिए बताइए, संश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा बताइए संश्रुति भिन्नार्थक शब्द। वंश, यशवर्धन, वंश ऐसे ही साइलेंट मोड में रहो, कोई नहीं। वेरी गुड यशवर्धन। यशवर्धन यस मैम। हाँ बेटा। चलिए ऐसा बताइए कि अगल बगल वाले भी सुने बच्चे, जैसे मैं वंश यादव है, सम का अर्थ बता दीजिए जरा, जो नहीं जानता है वो सुन ले। मैम सम का साथ समान। हाँ सम मतलब समान, एक जैसा। हाँ और श्रुति मतलब? मैम श्रुति मतलब सुनना। सुनना वेरी गुड। भिन्न मतलब? भिन्न मतलब अलग अलग। अलग अलग ओके वेरी गुड बेटा। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ एक, जिन शब्दों का उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन अर्थ विभिन्न होता है उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ओके लर्न करके बता रहे हो या बुक से बता रहे हो? मैम लर्न कर रहा था मैम अभी। क्यों, कल क्लास अटेंड किए थे ना? नो मैम। कल क्लास नहीं अटेंड किए थे? नो मैम। क्यों? मैम हम लोग को गांव पे कुछ जरूरी पूजा हो रही थी। अच्छा 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 ओके कोई नहीं बेटा। समान और सामान दोनों का अर्थ बताइए। मान मतलब एक जैसा, सामान मतलब वस्तु है। गुड। अनल और अनिल, जैसा कि आप पर्यायवाची में पढ़ भी चुके हैं, बताइए अनल, अनल का अर्थ क्या होता है और अनिल का अर्थ क्या होता है? अनिल मतलब वायु, अनल मतलब अग्नि। एक है परिणाम और एक है परिमाण, दोनों का अर्थ बताइए। परिणाम और परिमाण। नाम मतलब मैम जो मैम करते हैं उसका परिणाम क्या होगा? तो परिणाम मतलब होता क्या है बेटा, वो तो आपने वाक्य प्रयोग कर दिया, उसका अर्थ बताइए। फल। फल नतीजा, फल। गुड। और परिमाण? परिमाण परिमाण कई बार तो आप लोग पढ़े हो परिमाण वाचक विशेषण। यस मैम। क्या होगा परिमाण मतलब? मात्रा, मापतौल। एक जरा और एक जरा बताइए, जरा मतलब क्या होता है और जरा मतलब क्या होता है? जरा मतलब बूढ़ा, जरा मतलब थोड़ा सा। अचार और आचार। मैम क्या? अचार और आचार। अचार मतलब आने वाला अचार और आचार मतलब आचरण। आचरण नहीं आचरण। ओके यस देन वेरी गुड बेटा। ये सेकंड अंशित कौन है भाई? अंशित गुप्ता। ये बार बार ये दो दो अंशित गुप्ता कहां से दिख जा रहे हैं?
उस दिन अंशित गुप्ता आपने क्या अपना नाम बताया था? हर्ष, हर्ष कुमार वर्मा ना, फिर आज नाम क्यों चेंज कर दिए? अंशित गुप्ता, सेकंड अंशित, आपने अपना नाम उस दिन क्या बताया था? हर्ष कुमार वर्मा ना। वैष्णवी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। वैष्णवी Yes, ma'am. हाँ देखो, अब हर्ष कर दिया तुमको। अंशित का नाम ज्यादा ही अच्छा लग रहा है क्या? हर्ष, वैष्णवी बताइए बेटा, संस्कृत विनाथक शब्द किसे कहते हैं? वैष्णवी से वो सब जिसका लगभग उच्चारण अलग अलग होता है उसे भिन्न समार्थक शब्द कहते हैं। उच्चारण अलग अलग होता है, यही सुनी है आप? यशराज, यशराज अनम्यूट योरसेल्फ। यशराज सिमरन, सिमरन सिमरन यस मैम। कौन बोला? यशराज। यस मैम। हाँ यशराज बताइए, आज इसके आप इसके पहले क्लास अटेंड नहीं करते थे ना? नो मैम। क्यों? आज पहला दिन है। व्हाट्सएप नंबर पापा के पास था। आज पहला दिन है यशराज आपका? यस मैम। हाँ तो कुछ ये टॉपिक जो आज हम पूछ रहे हैं, कुछ लर्न वर्न हुआ है सुन सुन के? यस मैम। तो बताइए समश्रुति विनार्थक शब्द किसे कहते हैं? मैम जिन शब्दों को उच्चारण लगभग लिसन यशराज, वे शब्द जो बोलने या सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं उसे ही समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यस मैम सुने कुछ? यस मैम। वे शब्द जो बोलने या सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं उसे ही श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब बताएंगे आप यशराज? वे शब्द बोलने या सुनने में लगभग एक समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। हाँ वेरी गुड। ये बताइए उत्तर और उत्तर दोनों लगभग एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं, किसका क्या अर्थ होगा? उत्तर और उत्तर मैम एक उत्तर मतलब आंसर होता है। आंसर, आप हिंदी पढ़ रहे हो बेटा, उत्तर मतलब क्या होता है हिंदी में बताओ? जवाब। जवाब गुड। और एक होता है उत्तर, उत्तर मतलब क्या होता है? दिशा। वो भी उत्तर ही होता है बेटा, ये हम बोल रहे हैं उत्तर यानी सिंगल। तो उतरो, उत्तर मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ उतरना। यशराज आपने वीडियो क्यों ऑफ किया है? यशराज यस, वीडियो क्यों आपने ऑफ किया बेटा? अब बताइए चालक और चालाक, चालक और चालाक में क्या अंतर है, अर्थ बताइए। मैम चालाक जो चालाक होते हैं, अच्छा
चतुर, चालाक मतलब चतुर, और एक चालक है, चालक का अर्थ क्या होता है? मैम जो बस चलाते हैं। चालक मतलब गाड़ी चलाने वाला। ओके यशराज, अब क्लास को कंटिन्यू रखिए, है ना यशराज? हाँ, अब क्लास को आप कंटिन्यू रखिए, आप स्किप नहीं करना है। आप डेली, अगर अगर आप डेली क्लास अटेंड करेंगे तो समझ में आएगा। आज फर्स्ट डे है ना, इस वजह से नहीं कुछ समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी अच्छा रिस्पांस किए हो। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। सिमरन, सिमरन, सिमरन मेरी आवाज सुन पा रही हो आप? शिवांश तिवारी, शिवांश, हर्ष कुमार वर्मा, हर्ष कुमार वर्मा, हर्ष? यस मैम। हाँ बेटा, ये आप बार बार अपना नेम क्यों चेंज कर लेते हो? आपको वो वाला नाम अच्छा लगता है क्या? नो मैम, मैं हर्ष कुमार वर्मा के ही नाम से ही घुसता हूँ, लेकिन पता नहीं अपने आप कैसे चेंज होता आता है। आप ही का, आप ही वाला ना चेंज होता है, आप ही पर ये हो जाता है अंशित, और एडमिशन नंबर भी चेंज हो जाता है। बेटा उसको देख लो, वरना जानते हो आप पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? बाद में दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना? कोई बात नहीं बेटा, देख लेना। चलिए, लर्न ऑन हुआ है कुछ? यस मैम। बताइए, समश्रुति विनार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द जिसे बोलने या सुनने में एक समान लगता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसे शब्द विनार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम विनार्थक शब्द कहते हैं। ओके, यह बताइए, और दोनों लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। दोनों के अपना अर्थ और हाँ, और का मतलब क्या और होता, का मतलब क्या होता है? और का मतलब कुछ और, कुछ और का मतलब कुछ और, मतलब क्या हर्ष? जैसे कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं उसमें हम कॉमा लगाते हैं, उसके बाद और नहीं, तो वो तो आप नहीं, उसका मीनिंग बताओ ना। मैं मीनिंग, और मतलब दूसरा, कोई अन्य, और मतलब दूसरा या कोई अन्य, अन्य या दूसरा, और मतलब क्या होता है मैम? किसी तरफ, किसी तरफ, तरफ, yes, की तरफ, किसी तरफ नहीं, तरफ की तरफ या तरफ। एक शंकर है और एक शंकर है, शंकर एक और शंकर, दोनों का अर्थ बताइए। शंकर मतलब क्या होता है और शंकर है? एक तालाब्य श वाला शंकर और एक र वाला स वाला शंकर, दोनों का अर्थ बताइए। एक शंकर है, ये वाला शंकर है और ये शंकर है, दोनों का अर्थ बताइए। कल मैंने बताया था, आपने क्लास भी अटेंड किया था हर्ष। मैम एक शंकर प्रभु होते हैं और एक, तो किस शंकर... वाले के प्रभु होते हैं, किस वाले के भोलेनाथ होते हैं बताइए? शिव शंकर, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाले को, ऊपर वाला, ऊपर वाला। ओके, और नीचे वाले का अर्थ क्या होता है? मैम संदेह, मैम संदेह, संदेह नहीं, वो तो शक होता है। इसका अर्थ होता है मिश्रित या मिला हुआ, मिलावट, है ना? मिला हुआ या मिश्रित, ठीक है? पता और पत्ता का अर्थ बताइए, एक है पता और एक है पत्ता। मैम एक पत्ता, एक कोई पेड़ का पत्ता और एक पत्ता, जानकारी, पता, हाँ जानकारी, रहने का स्थान। ओके, वेरी गुड बेटा हर्ष, कीप इट अप। कार्तिक, कार्तिक पटेल, कार्तिक, yes, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? यस मैम। श्रुति मतलब, गुड मॉर्निंग बेटा, श्रुति मतलब क्या होता है कार्तिक? श्रुति मतलब
सुनना, अरे सुनना, सुरती नहीं बेटा, श्रुति। कार्तिक, श्रुति मतलब क्या होता है? श्रुति, हाँ, श्रुति मतलब क्या होता है कार्तिक? हाँ, श्रुति, श्रुति मतलब क्या होता है? अभी सो के उठे हो क्या कार्तिक? नो मैम, लग तो रहा है। दो, अभी 5 मिनट बाद में तुमसे पूछ रही हूँ, तब तक रेडी हो जाओ बताने के लिए। अनुज, अनुज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अनुज, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए बेटा सम मतलब क्या होता है? सम मतलब एक जैसा, और श्रुति मतलब क्या होता है? श्रुति मतलब सुनना। सुनना, गुड। भिन्न मतलब क्या? भिन्न, भिन्न मतलब भिन्न मतलब क्या होता है? अनुज, यस मैम। बेटा क्यों खरखरा रहा है? आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है क्या? लीड में कोई गड़बड़। ओके, बताइए बेटा समझौते भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? वे जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, लेकिन जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं। अरे जिन, वो तो होने का, वे शब्द जो सुनने में एक समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, उन्हें श्रुति शब्द भिन्नार्थक, अरे शब्द श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम या सम श्रुति एक ही होता है बेटा, कंफ्यूज नहीं हो। परिमार और परिणाम दोनों का अर्थ बताइए। परिमाण और एक है परिणाम। वीडियो रुक गई है क्या बेटा? परिमाण एक वो जो मात्रा है, एक परिमाण मतलब मात्रा।